आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, जैव विविधता की क्षति के चार कारण बताइए। विदेशी जातियों के स्थानीय रूप से स्थापन के फलस्वरूप स्थानीय जातियों पर दुष्प्रभाव समझाइए। तो आइए गाइस हम इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो हमारा शब्द है जैव विविधता, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता, उसकी क्षति के हमें कारण बताने यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं। तो जैव विविधता जो है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता, विविधता, देखिए गाइस जैव विविधता जो है, ये शब्द हमें सबसे पहले दिया था किसने, एडवर्ड विल्सन ने। किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने ये शब्द हमें दिया था। अब हम बता दें कि ये जो जैव विविधता होती है, इसका मतलब क्या होता है। जैव विविधता होती है गाइस किसी भी क्षेत्र में पादप जंतुओं के बीच के परस्पर संबंध के साथ रहने की प्रकृति को क्या कहते हैं, जैव विविधता। ये हम कहें कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जंतुओं की प्रजाति, विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना क्या है, जैव विविधता है। यहाँ पर लिखकर हम बता देते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जीवों की पाई जाने वाली भिन्नता, जीवों का यहाँ पे इस जीवों का मतलब है दोनों ही पादप एवं जंतु, जीवों की पाई जाने वाली विभिन्नता क्या है, विभिन्नता ही जैव विविधता है। जैव विविधता है, या हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक जगह पर या किसी भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले हमारे जो जीन है या जीनों का प्रकार, ये मिलकर कोई भी जीव है। जैसे कि हम पादप की बात करें या जंतु, तो दोनों क्या करते हैं, जीनों का कलेक्शन है, सबके पास जीन है और जीन का क्या करते हैं, जीन ही लक्षण को प्रकट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जैव विविधता। अब हम देख लेते हैं इसकी क्षति के क्या कारण हो सकते हैं, जैव विविधता की क्षति के कारण। जैव विविधता की क्षति के कारण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी क्षति हम देख लेते हैं किस तरह से हो सकती है। जो जैव विविधता है हमारी, उसकी क्षति हो सकती है, पहली बात तो आवासीय क्षति या विखंडन, किससे हो सकती है, आवासीय, हमें आवास बनाना है कहीं पर, ठीक है, आवासीय क्षति तथा विखंडन इसमें आ जाएगा। हमने किसी क्षेत्र को तोड़ा, वहां पर हमें फैक्ट्री बनानी है या कुछ भी, ये चीजें आ जाएंगी इसमें। क्या है, आवासीय क्षति, हमें रहने के लिए घर बनाना है तो हमें वनों को काटना पड़ता है, और हमें विखंडन करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई उद्योग स्टार्ट करना है, तब भी हमें क्या है, आवासीय क्षति एवं विखंडन की जरूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है, जैव विविधता नष्ट होती है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या, अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब होता है अगर हम किसी चीज की ज्यादा अति कर दें, क्या कर दें, ज्यादा अति। अब देखिए प्राकृतिक संपदाएं जो होती हैं हमारी हैं, उनका अगर अति दोहन कर दिया जाए तो हमारी जो प्रजातियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, हमने ज्यादा फैक्ट्री बना ली, ज्यादा घर बना लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, अति दोहन। तीसरा हो जाएगा हमारे पास विदेशी जातियों का आक्रमण, क्या हो जाएगा, विदेशी जातियों का आक्रमण, जातियों का आक्रमण। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या होगा, देखिए कोई एक स्थानीय जीव रह रहा है अपनी जगह पर, वहां पर आकर कोई और प्रजाति आकर वास करने लगे, तो वहां पर उस जगह में जितने भी जो रिसोर्सेस पाए जा रहे हैं वहां पर, उसके लिए वो क्या पड़ेंगे, कम पड़ेंगे। तो उन विदेशी जातियां जब आती हैं तो स्थानीय जातियों को नुकसान होता है उससे। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसमें। अब देख लेते हैं चौथा हमारा हो जाएगा इसमें क्या, कि सह विलुप्तता, क्या हो जाएगा, सह विलुप्तता। सह विलुप्तता गाइस क्या होता है, देख लेते हैं, जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जाति विलुप्त होने लगती है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे आम के पेड़ है, आम के पेड़ पर आर्किड रह रहा है, तो अगर आम के पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आर्किड कैसे रहेगा, आदि पादप के रूप में वहां पर। तो ये हो जाता है हमारा क्या, सह विलुप्तता। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे प्रश्न में और क्या दिया गया था, दूसरा पार्ट है इसका। हाँ, और दिया हुआ है कि विदेशी जातियों के स्थानीय रूप
से स्थापन के फलस्वरूप स्थानीय जातियों पर दुष्प्रभाव समझाइए। तो आइए गाइस हम इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है गाइस, अगर यहाँ पर कोई विदेशी जाति आती है, ठीक है, विदेशी जातियों के आगमन पर, विदेशी जातियों के आगमन पर स्थानीय जातियों पर प्रभाव। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विदेशी जातियों के आगमन पर स्थानीय जातियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कोई एक स्थानीय जाति है वहां पर रह रही है, ठीक है, अगर स्थानीय जाति के हिसाब, उसके हिसाब से वहां पर क्या है, रिसोर्सेस है। स्थानीय जाति को वहां पर हमें क्या चाहिए, स्रोत चाहिए, ठीक है, किस किस के स्रोत चाहिए, ठीक है, जल, वायु, स्थान, भोजन, ये सारी चीजें जो किसी भी जाति के लिए जरूरी है, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, ठीक है। इन सारी जो हमारी स्थानीय जाति है वो इतने ही जल रिसोर्स में रह रही है, इतनी ही सारी चीजें उसके पास है। अगर कोई विदेशी जाति आती है, ठीक है, अगर विदेशी जाति आती है तो इनके इन रिसोर्सेस पर, स्रोत पर क्या होता है, आक्रमण होता है। क्या होता है, एक तरह का आक्रमण होता है। और उस आक्रमण के बाद, आक्रमण हुआ किसकी वजह से, विदेशी जाति की वजह से, ठीक है, विदेशी जाति। अब ये जो रिसोर्सेस है, अब वहां पर क्या हुआ, एक प्रतिस्पर्धा डेवलप हुई। क्या हुआ वहां पर, क्या आ गया, स्पर्धा। अब दोनों ही जातियां लड़ने लगी उस प्रति, उसके लिए क्या, रिसोर्सेस के लिए, जो हमारे स्रोत हैं, या हम ये कहें कि हमारी जो साधन है, जो भी, ठीक है, उनके लिए स्पर्धा शुरू हो गई। अब स्पर्धा शुरू हो गई तो अब उसमें क्या होता है कि वही जीव, आप जानते हैं, जो जीतता है वो जो कैसा होता है, ताकतवर होता है, या हम ये कहें कि प्रकृति के अनुकूल होता है। प्रकृति के अनुकूल जो बना लेगा अपने आप को, या अनुकूलन कर लेगा, ठीक है, अनुकूल, तो ये वाले जीव क्या करेंगे, जिएंगे। और जो क्या करेंगे, प्रकृति जो हमारी है, प्रकृति के विपरीत चले गए, या हम ये कहें कि स्पर्धा में क्या करें, हार गए, तो प्रकृति के विपरीत, तो क्या हो जाएगी, अब ये वाले जो है ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इन जातियों का धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्तिकरण, क्या आएगा, विलुप्तिकरण शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो स्थानीय हमारी जातियां हैं उस पर अगर विदेशी जातियां आ जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनका विलुप्तिकरण शुरू हो जाता है। ठीक है गाइस, और देख लेते हैं इसमें, ठीक है, अब देख लेते हैं, विलुप्त तो हो गई हैं, फिर क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेस वगैरह थे उन पर भी खतरा हुआ, इससे क्या होता है, जाति विलुप्त हो गई, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी, अर्थात विलुप्त प्रजातियां जैव विविधता की क्षति का कारण बनती हैं। कहने का मतलब है, अब जो हमारी जैव विविधता पाई जा रही थी, ठीक है, उसमें कमी हुई कि नहीं हुई, जैव विविधता की क्षति का कारण बनती हैं, क्षति का कारण बनती हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जैव विविधता क्या होता है, और किसी विदेशी जाति के आ जाने पर जो हमारी स्थानीय जातियां होती हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो गाइस आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।